हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप कि आप लोग बिल्कुल सही हो गए। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। वैसे तो मैं एलबी में आया हूँ काफी टाइम से। आज ब्लॉग मतलब बना रहा हूँ। अपलोड तो 2 दिन के बाद होगा दोस्तों। ये अपलोड 2 दिन के बाद होगा। ये ब्लॉग रहेगा बैसाखी का। किस तरह से हिमाचल में बैसाखी, थोड़ी लाइट पड़ रही है पीछे, किस तरह से मैं अभी घर से चला हूँ, किस तरह से हिमाचल में अपर शिमला एरिया में जो किस तरह से बैसाखी मनाई जाती है, तो आपको मैं बैसाखी की झलक दिखाऊंगा। तो प्लीज आप इस चैनल में बने रहे, बहुत इंटरेस्टेड ब्लॉग बनेगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनेगा। प्लीज अपना प्यार बढ़ाए और दे, और जो नए चैनल पे आते हैं चैनल को प्लीज हिट करना ना भूले, और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए प्लीज। तो मिलेंगे आपको डेस्टिनेशन पे के। बाय बाय, सॉरी। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि एक ये बैसाखी का जो त्योहार है ये भी बहुत फेमस है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि दो टोलियां होती है यहाँ पे। एक नई जनरेशन की होती है, जो बड़ा जो झुंड नजर आया आपको, ये नई जनरेशन का है, और साथ में एक बुजुर्ग। तो ये है जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं इनके बारे में पूछता हूँ। जो ये फंक्शन हो रहा है, तो आपका नाम क्या है इसमें? जी, मेरा नाम विनोद कुमार है जी। ये जो मनाया जाता है फंक्शन, जो बैसाखी होती है, कितने गांव में, कब से शुरू होता है, कब तक चलता है आपका ये? ये जी हमारा बहुत पहले से कल्चर आता रहा है, चलता है। ये हमारा बहुत पुरानी रीति रिवाज है जो हमारे बैसाखी महीने में मनाया जाता है जी। ये हमारा कम से कम 8-9 गांव में, जो अपने लोकल एरिया है उसमें जाते हम, और इसी तरह नाच गा के। बिल्कुल, हमारा देवता का ये, हमारे देवता का ये किए है। हाँ जी, हमारा देवता ये, इसकी पहले से प्रथा बनी है ऐसी। बिल्कुल, तो हमारे को निभानी पड़ती है जी। बिल्कुल जी, और इसीलिए हम इस महाराज के पीछे हर गांव में, हमारे यहाँ से जैसे छुपाड़ी हो गए हमारे गुडारू महाराज जी, हमारे धारा में हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धारा में अस्तानी में हो गए मासू जी। बिल्कुल जी, जुंडी हो गया, सिमोली हो गया। ओके जी, ओके। हाँ जी, हमारे को इतने गाँव सर मतलब मिला के जो हमारे। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है बीच में बंद भी हो गया था, क्योंकि बहुत पुरानी रीत थी, काफी टाइम से बंद भी पड़ा था, तो इसका कारण क्या है? मतलब इसका कारण ये है जी, जो हमारे गाय जो इसको गाते हैं, जो इसका मुख्य होता है, देवते का जो मुख्य। बिल्कुल बिल्कुल, एक होता है जो मुख्य है। हाँ जी, बाकी ये जितने नाच रहे हैं ये तो सब उनके पीछे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सारे उनके पीछे हैं जी। बिल्कुल, तो ये मतलब इनके कुछ किसी कोई प्रॉब्लम पड़ी है, ये नहीं, ये कुछ टाइम से अस्वस्थ थे ना, बीमार रहे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह से आ नहीं पाए हम। ये 14-1 साल हो गए शायद, इसमें हम
मतलब इसको मना नहीं पाए 14 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 14 साल पर इसी देवते की वजह से इसने अपना ये कुछ ऐसा ये बताया कि भाई मनाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बताया भी है तो कुछ ऐसे चमत्कार भी किया ना इसको चंगा ठीक हो गया जी। हाँ बिल्कुल। इस देवते महाराज कोलू महाराज की वजह से ये ठीक हो गए। हाँ जी। जैसे ये ठीक हुए तो ये मंदिर में आ गए, बोला जी ऐसे ऐसे हो गया। हाँ जी। बोले ये सब कुछ हमारी पुरानी रीति को मत तोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो तुम्हारे को निभानी पड़ेगी और तभी जाएगा आगे आपके लिए ठीक है। बिल्कुल। वो किसी टाइम एक टाइम ऐसा था जी ये मतलब इनका ऐसा कोई ये नहीं कहता था कि ये बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देवता कोलू महाराज की वजह से ये बच गए और स्वस्थ हो गए। और अभी देखो आप इतने आदमी को गाइड हम देख रहे हैं इनको बहुत पुराने टाइम से देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। 15-20-25 साल हो गए शायद इनको। हाँ जी हाँ जी। लगातार देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज्यादा ही हो गए उन्हें। हाँ जी हाँ जी। तो अब ये पिछले साल से शुरू किया है। पिछले साल से शुरू किया है जी। ये जब ये नहीं होते थे हमने तो और आदमी को इस चीज में हमारे को इस चीज के बारे में पता नहीं है ने। और जब तक ये नहीं आए तो जब ये पिछले साल ठीक हो गए देते कोलू महाराज के पास मंदिर में आए। बिल्कुल। तब इन्होंने अपना जो पुराना कल्चर है वो उसको चलाया। बिल्कुल, और आज हम लोरकोटी गांव में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल जी। आज हमारा जो ये हम अस्तानी मुंशाड़ा वगैरह से आके आज हम लोरकोटी गांव में पहुंचे जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद हमारा प्रोग्राम नाइट का बागी है जी। बिल्कुल जी। कल हमारा छुपाड़ी होगा, छुपाड़ी गुदारू महाराज के पास। ओके जी। बिल्कुल। हमारा लास्ट होगा जी पारसा में। पारसा में एंड होगा। हाँ जी। कल शाम हमारे चियूनी में, परसों हो गए हमारे लास्ट दिन। मतलब बैसाखी का त्योहार है। बैसाखी का त्योहार है। हाँ जी हाँ जी। जिसको अपनी भाषा में विशु बोलते हैं। हमारी अपनी भाषा में इसको विशु बोलते हैं। ओके विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसके बारे में जानकारी दी, जो ये प्रोग्राम था इसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस जो हमारी पुरानी संस्कृति को बढ़ावा दिया और आगे इसमें लाया। हमारे जो विशु का त्यौहार है दुनिया को पता लगी, ये ऐसा भी मनाते हैं कई देश में, कई गाँव में ऐसा भी इसका ये करते हैं। ओके जी धन्यवाद। ओके विनोद जी। ओके धन्यवाद। देखो ये देखो बच्चे खुश हो रहे क्योंकि थोड़ा गम ये होता कि पूरे गांव वाले नहीं होते आए देखने, क्योंकि बहुत कम बच्चे और लेडीज आते हैं। बच्चे और लेडीज है इधर भी बैठे हैं। ये बच्चे हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हिमाचल में इस तरह से बैसाखी मनाई जाती है अपर शिमला एरिया में। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये ब्लॉग, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करना ना भूले और लाइक शेयर भी जरूर करें। जो चैनल पे नया आता है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूले। दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार होते हैं। तो इस तरह से बैसाखी जो होती है जिसको विशु भी बोलते हैं लोकल भाषा में, बैसाखी मनाई जाती है। क्योंकि बैसाखी जो है सबसे फेमस तो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में नई फसल जब आती है गेहूँ वगैरह के काटने अगर शुरुआत होती है तो ये त्यौहार मनाया जाता है। और हिमाचल में भी कुछ इसी तरह से मनाया जाता है। तो ये जो कल्चर था हमारा, जो कल्चर है बीच में ये काफ़ी टाइम से बंद था, तो मतलब कहते हैं कि हिमाचल की जो संस्कृति है पुरानी संस्कृति के ज़्यादातर विलुप्त होती नज़र आ रही थी। तो क्योंकि देवताओं का गढ़ है भाई, देवता रहते हैं उपवास करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता ही है। तो इस कारण से दोबारा से शुरू करना पड़ा। और जो यहाँ पे कोलू देवता जी का ये होता है इस मेले में फंक्शन में, कोलू देवता जी है एक, जो उनके जो गुड़ होते हैं उनके कंधे पे चलते हैं, तो उनको बीमार भी शायद हो गए थे और जब पूछा गया तो फिर उसका ठीक भी हुए, तो फिर दोबारा से करना पड़ा। क्योंकि यार देखो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दैट इज कॉल्ड देवभूमि। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे जो है कण कण में देवता बसता है। तो अगर हम देवता की ही जो कल्चर को भूल जाए तो कैसा चलेगा, तो इसलिए दोबारा से शुरू करना पड़ा। तो हमें भी अच्छा लगता है ये विशेष किस प्रकार की टोली थी, इसमें कोई आम आदमी बाहर का कोई भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो सकता फंक्शन में। ये विशेष मतलब जो खास एक ही मतलब गांव के जो लोग होते हैं वो ही इसमें भाग ले सकते हैं, बाहर का कोई नहीं। कोई बाहर का भी अगर इनके बीच में या बसा होगा, हमारे बीच में कोई बसा होगा तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक बार किसी ने ले लिया तो हमेशा साथ देना पड़ेगा। कई ऐसे भी होते हैं ले लेते हैं साथ ले लेते हैं और बीच में छोड़ के चले भी जाते हैं, तो ये इससे गलत प्रभाव पड़ जाता है। तो ये अभी दिखा रहे हैं किस तरह से झांकी हिरण को मार दे।